आपकी बात थी, कितना आगे बढ़ रहे हैं, क्या आगे चले? देखिए अभी हम जितने भी नगर निकाय हैं उनका पुनर्सीमांकन और उसके बाद वार्डों का पुनर्सीमांकन, एक सीमा विस्तार और फिर वार्डों का पुनर्गठन का कार्यक्रम चल रहा है। और हमारी कोशिश यही है कि राजस्थान में सारे नगर निकायों का चुनाव एक साथ एक महीने में हो, ताकि बार बार लगने वाली आचार संहिता से छुट कर। देखिए सर, जैसे कल सरपंच संघ एसोसिएशन राजस्थान का मुख्यमंत्री से मिला है, उन्होंने समय मांगा, उन्होंने कहा या तो हमारा कार्यकाल बढ़ाया जाए या उनका कोई बताया उनको दे दो, तो उसको कैसे संभव होगा? मुख्यमंत्री जी ने कोई आश्वासन नहीं दिया। पंचायत राज के बारे में तो बात करेंगे, मैं तो मेरे नगर निकाय की बात करूँ। वन इलेक्शन कैसे संभव होगा सर? सारा नहीं अभी हमें सीमा विस्तार और वार्डो के पुनर्गठन लगभग 4 महीने का समय लगेगा, और उसके बाद हमारा आखिरी 25 में कुछ नगर निकायों का कार्यकाल खत्म होगा, 25 में 2-3 जी हैं, कुछ अगस्त सितंबर में कुछ नवंबर। तो मतलब ये माना जाए कि ये जो तो हमारा विचार ये है कि हम अगस्त 2025 में इन सबको एक साथ। सर एक मुद्दा बड़े जोर शोर से पूरे देश में चल रहा है, भागवत साहब ने अभी हाल ही में कहा है कि 3 बच्चे पैदा करें, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी राष्ट्र चल रहे बड़े। देखिए मेरा इस मामले में एक बहुत स्पष्ट मत है कि देश में आबादी नियंत्रण के लिए एक कानून बनना चाहिए और जिनके 2 या 3 से ज़्यादा संतानें हों उनको सारी सरकारी सुविधाओं से वंचित। सर बट उन्होंने ये कहा है कि 2.1 जो प्रजनन दर है उनका जो भाव था वो ये था कि लगातार एक समुदाय की जनसंख्या घट रही है और बाकी समुदायों की जनसंख्या बढ़ रही है, उससे जो असंतुलन पैदा हो रहा है उनका इशारा उसके थ्रू। तो ये आप मान के चले कि 49 नगर पालिका कार्यकाल हो चुका है, आने वाली जो नगर पालिका अगस्त में सब चुनाव एक साथ होंगे राजस्थान में? विचार ये है कि 2025 में सब एक साथ। थैंक यू।